आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजिस और हमारे साथ है ऑटो वाले अंकल। हमारे ऑटो वाले अंकल ने देख लिया सिनेपोलिस में शहजादा। क्या कहेगा शहजादा के बारे में सुनकर? शहजादा के लिए क्या कहना क्या है, शहजादा यही है कि ये जो है शहजादा नहीं, इस मूवी का नाम कुछ और रखना मांगता था कि डब्बा शहजादा। दोस्तों ये मूवी जो है मुझे एकदम ये लगी, इंटरवल में ही मैं भागने वाला था, जैसे फिल्मी सिकंदर सिकंदर भाग गया इंटरवल में वैसे मैं भी, लेकिन मैं बोला 110 रुपया लगाया हूँ इस मूवी को, जो है चाहे जो भी हो मूवी मैं देख के ही जाऊँगा। तो दोस्तों इंटरवल मुझे खास नहीं लगी, इसलिए इस मूवी को जो मैंने रेटिंग नहीं दी। लेकिन इंटरवल के बाद जो है मूवी मैंने देखी, कुछ इन्होंने हंसाए ये किए मतलब कुछ ये किए, लेकिन इसके अंदर पूरे के पूरे जो है पूरे मूवी में जो है रोहित धवन ने पकड़ नहीं पाए मूवी को। कार्तिक आर्यन का काम कैसा लगा? कार्तिक आर्यन जो है जिस हिसाब से मतलब वो आसमान पर चढ़े थे उस हिसाब से ये आसमान से डायरेक्ट नीचे गिर गए, इनका ओवर एक्टिंग ज़्यादा है। वरुण धवन से भी ये जो है मतलब पूरा का पूरा ओवर एक्टिंग है। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि ये मूवी जो है मतलब एकदम टॉर्चर है, एकदम जो है मतलब क्या बोलूँ मैं, सिर्फ लास्ट में जो गाना दिया गया है उसमें थोड़ी करेक्टर ढीला, मतलब हम लोग का ढीला हो गया है। अब जो है अब कार्तिक आर्यन का भी जो है करेक्टर सब कुछ जो भी है वो ढीला हो जाएगा। अब मालूम पड़ेगा कि अगला मूवी करे तो कैसे करे और कैसे हिट और ब्लॉकबस्टर होती है। तो दोस्तों ये मूवी जो है पूरा का पूरा जो है मैं पक गया, इस मूवी को स्टार तो नहीं दे सकता, लेकिन जो लास्ट में जो 3 या 4 मिनट का जो एक डायरेक्शन किए इन्होंने, जब फैमिली मिलती है उस टाइम पर रोनित राय और मतलब परेश रावल सब लोग साथ में रहते तभी वो मिलते हैं ना, तो वो टाइम पर लग रहा था कि रोहित धवन जो है यहाँ पे डायरेक्शन कर रहे हैं। अगर उसी तरह से स्टार्टिंग से ही पकड़ में रखते थे, अगर डायरेक्शन करते थे तो ये मूवी चलती थी। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा अल्लू अर्जुन जो है उनकी तेलुगू में जो है अगर आप वो देखोगे तो देखने की इच्छा करेगी, लेकिन ये मूवी आप देखोगे ना तो भागने की इच्छा करेगी। तो दोस्तों ये मूवी मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। देखिए रेटिंग की बात करें तो वो सीन की वजह से और परेश रावल और इसके अंदर जो रामपाल यादव जो मतलब राजपाल यादव जो हैं उन्होंने भी थोड़ा काम किया है, और रोनित राय इनका जो है एक्टिंग काबिले तारीफ़ है, इसलिए इस मूवी को कम से कम 2 रेटिंग मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच।